खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर खुर्जा की, जहां पर एक सिपाही ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर दी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रिजवान अंसारी बुलंदशहर खुर्जा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रिजवान, सिपाही ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये धर्मेंद्र कुमार सिपाही है जो हाथरस में तैनात था। ये खुर्जा 7 दिन की छुट्टी पर आया हुआ था और इसने बीती रात अपने कनपटी पे गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। रिजवान, अगर वहीं आपने अधिकारियों से बात की है तो अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आए इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, इस मामले में हमने एडिशनल एसपी महोदय से बात की और पुलिस के कई अधिकारियों से बात की है। वो खुदकुशी, इसकी आत्महत्या करने के मामले में वो अभी कुछ नहीं बोल रहे, कह रहे जांच का विषय है, जांच के बाद ही बताएंगे। कई पहलुओं पर जांच कर रहे हैं, क्या कारण है। अभी स्पष्ट रूप से कोई भी अधिकारी इस आत्महत्या के मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। रिजवान, वहीं अगर आपने परिजनों से बात की हो तो परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, जहां तक सवाल सिपाही के परिजनों का है, उनका कहना है कि ये 7 दिन की छुट्टी पे आए थे, लेकिन बहुत टेंशन में थे, बहुत परेशान थे। अगर हम फोन पर भी बात करते थे या वैसे भी बात करते थे तो ये सीधी बात का जवाब नहीं देते थे। बहुत बेचैन थे, बहुत परेशान थे। जब हम परेशानी का कारण मालूम किया कि क्या है, कहले कि अधिकारियों की कोई बात है, मैं अभी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा, तो अधिकारी रूप से ये परेशान थे। कोई ऐसी वजह थी, कोई ऐसा मामला था जो ये छुपा रहे थे, बाद में बताना चाहते थे। कोई अधिकारियों का मामला इस तरह का था जिसको ये खामोश रहकर सुलझाना चाहते थे। शुक्रिया रिजवान, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तम नाम है जो कि हाथरस में तैनात है और वो कल रात में अपने घर पहुंचा था करीब 1 बजे, और जो संज्ञान में आया है करीब 1:50 के आसपास उसने जो है गोली मार के आत्महत्या कर ली है। और उसका शव हम लोगों ने पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।